सो है गाइस, यहाँ पे हम बैटरी अभी चेक करने वाले हैं ई रिक्शा की। यहाँ पे ई रिक्शा के बैटरी में प्रॉब्लम है, मतलब तीन दिन से बैटरी डाउन हो रही है। वैसे चार बैटरी, नई बैटरी अभी डाली हुई है, तीन दिन से प्रॉब्लम है। एक बैटरी टोटली डिस्चार्ज हो रही है, पांच वोल्टेज पे आ रही है, तो हम चेक कर रहे हैं। और उसके बाद में प्रॉब्लम लगा तो हम जैसे कंपनी में दे देंगे। फिलहाल तो कंपनी के लोग हमारे लोकेशन पे नहीं आते, हम बैटरी जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास में लेके जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका ऐटो है। तो भैया आप बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है इसमें? ये तीन दिन से बैटरी चली नहीं रही, तीन दिन से बैटरी नहीं चल रही, और तीन दिन से खराब है, तीन दिन से डाउन हो जाती है। मतलब बैटरी चार्ज होने के जल्दी ही काफी डाउन हो रही है, मतलब बैटरी में इश्यू है। तो अभी हम अपने शॉप में बैटरी को लेके जाएंगे, बैटरी ओपन करें देख सकते हैं, एक साइड की बैटरी है, और शॉप में लेके जाएंगे, इसका ग्रेविटी टेस्ट करेंगे। और अभी फुल चार्ज, मतलब चार्जिंग पे लगी हुई थी, टेस्ट करेंगे बैटरी को, चेक करेंगे। प्रॉब्लम तो बैटरी में है ही, फिर भी हम अपनी तरफ से चेक कर लेते हैं, बाद में इसका रिप्लेसमेंट के लिए कंपनी में डाल देंगे, और एक सर्विस बैटरी हम ले लेंगे, ताकि इनका ऑटो रुकना नहीं चाहिए, जो धंधा रहता है इनका वो रुकना नहीं चाहिए। सर्विस बैटरी इनको दे देंगे, और बैटरी रिप्लेस होने में तीन चार दिन का समय लगता है, तो बैटरी लेके जाते हैं, उसके बाद में बाकी का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देख रहे हैं बैटरी हम निकाल रहे हैं, अभी शॉप में लेके जाएंगे और बाद में कंपनी में दे देंगे। तो बाकी अपडेट मैं थोड़ी देर में आपको देते रहूंगा। तो यहाँ पे भी हम ग्रेविटी टेस्ट करेंगे, सबसे पहले वोल्टेज देख लेते कितना वोल्टेज है। ये वोल्टेज दिखा, तो आप वोल्टेज देख सकते हैं, वो दिखाओ नंबर। तो बैटरी चार्ज है, अभी इसकी ग्रेविटी हम टेस्ट करेंगे, 12 बस ठीक है। 12.5 जितनी चाहिए उतनी उसकी वोल्टेज है। अभी हम ग्रेविटी टेस्ट करेंगे, ग्रेविटी देखेंगे। तो ये है 1100, मतलब 1100। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, हमें 12.5 के करीब चाहिए, लगभग 12.5 सीधा चलेगा, और ये भी लगभग 11.5 के करीब है। मतलब फुल बैटरी चार्ज हो रही पर ग्रेविटी इसकी प्रॉपर नहीं है। सेम इसका भी 11.5, मतलब हमें 12 तक के चाहिए, ये 12.5 चार्जिंग में आना चाहिए पर चार्जिंग में ये नहीं आ रहा है। सभी में सेम है, तो चलिए इसको भी हम लेके चलते हैं। चार्जिंग ओके है, ग्रेविटी में थोड़ा सा हमें लग रहा है इशू, तो चलते हैं अभी हम बैटरी रिप्लेस के प्रोसेस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कृष्णा बैटरी कांजीलाल कांजी हाउस चौक यहाँ पे आए हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर है ई रिक्शा के नागपुर में, और यहाँ पे अभी हम अपनी बैटरी लेके आए हैं, और यहाँ पे रिप्लेसमेंट का प्रोसेस करेंगे, और कुछ बैटरी, एक आधी बैटरी लेके जाएंगे हम, सर्विस बैटरी जो इनके ऑटो में डालना है। तो चलते हैं और बात करते हैं, बाकी प्रोसेस मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पे हमारा रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं हुआ, अब ये बैटरी कंपनी में जाएंगी, और ये हमारी सर्विस बैटरी यहाँ पे हमने ले ली है, और बाकी वहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ बैटरी वहाँ पे रखी है, तो वो सारी बैटरी में प्रॉब्लम है। मतलब अलग अलग कस्टमर के, हमारी एक बैटरी हमने वहाँ पे रखी है, तो ये कंपनी जाएंगी, और तीन दिन के प्रोसेस के बाद में बैटरी आ जाएंगी, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, बैटरी यहाँ पे इनको भेज देंगे, यहाँ पे आएंगे और बैटरी जो उनकी रिप्लेस वाली बैटरी है वो ले लेंगे। तो ये सर्विस बैटरी उनको तीन दिन चलाने के लिए हमने यहाँ से ले ली है। तो आपको अगर बैटरीज वगैरह खरीदना होगा ई रिक्शा की, ये डिस्ट्रीब्यूटर है कृष्णा बैटरी कांजी हाउस चौक में, हमने लास्ट टाइम भी एक इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया हुआ था, अगर नागपुर में कोई रहता है आते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। सो हमारा प्रोसेस हो गया, अभी हम निकलते हैं अपनी लोकेशन पे दोबारा।